Shall we begin? दिख रहा है आपको? दिख रहा है मेरे को? भी दिख रहे हैं। Happy birthday to you. Thank you, thank you. मैं जरा शेयर से मिलके आ रही हूँ, ठीक है? ये बहुत सारा कुछ कुछ ले आई हूँ, स्प्राउट्स एंड। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम उठ गए हैं सो के, और मेरी नींद आज बहुत जल्दी खुल गई थी। वैसे तो मैं जल्दी उठती नहीं हूँ, पता नहीं यहाँ कैसे खुल गई। एंड ये बाहर का व्यू, मैं सोच रही थी मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे बट कोई उठा ही नहीं, सो हम अभी मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, ठीक है? चलो थोड़ा बाहर भी खा के आते हैं। वो रहा फूल, और धूप आ गई है, धूप तो अच्छी खासी आई हुई है यहाँ पे, तो चलो थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करके आते हैं, फिर आके हम ब्रेकफास्ट वगैरह करने जाएंगे। चलिए आपको लेके चलते, थोड़ा टूर कराते हैं। टूर का वैसे ज़्यादा है नहीं यहाँ पे लग रहा है कुछ, सो लेट्स गो गाइस। चलो, ये देख रहे हो आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है मेरे को? तो दिख रहे हैं पैरट, पैरट दिख रहे हैं आपको? वो देखो दो दो है ऊपर से, वाओ। उधर जाके बैठ गए। अब वहाँ पे मेट्रो भी आती है, वो जो मेट्रो है वो यहाँ के पार्क हो जाती है। मेरे ख्याल से इसका लास्ट डेस्टिनेशन यहीं पे होगा। यहाँ पे भी वो भी आए थे पिजन, दो दो पिजन। बट बड़ी धूप आ गई है, वो देख रहे हो आप पिजन वहां पे? पिजन वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। देख लो पूल के पास नहाने की तैयारी कर रहे हैं, 9 बजे खुल जाता है ना, अभी से ही लाइन लगा के बैठ गए हैं लोग। चलो तो फिर चलते हैं। अब हम जा रहे हैं गेम जोन देखने, हम कल गए नहीं थे, कल हम गेम जोन नहीं देखने गए थे। देख लो ऐसे हमारे यहाँ चश्मे साफ होते हैं, चश्मे चश्मे मतलब गूगल मतलब ग्लेयर्स। अच्छा ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई, मैंने आपको बताया था ना कि हम बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं, तो हम पता है किसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं? हम मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। तो आओ हम सारे मिलके हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, ठीक है? आप लोगों को भी करना पड़ेगा, सारे वहाँ से चिल्लाना, जो नहीं बोला ना वहीं आके आके, कुछ नहीं हाथ जोड़ के बोलूँगी अच्छी तरह तमीज से, हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर सकते क्या? तो ये है वो, बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। सारे बोलो, सारे ऐसे क्या मुंह बना के बैठे हो, बोलो हैप्पी बर्थडे। चलो तुम भी सबको थैंक यू बोलो। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। अच्छा इसको भी अभी याद आया है, बहुत ज्यादा है वो, पर जुकाम भी हो सकता है, मैं तो नीचे नहीं गिरा। चल लो सो अब ये ड्यू है ड्यू, तो मैंने सोचा थोड़ी देर घास पे भी चल लिया जाए, बड़ा अच्छा लग रहा है। जल्दी-जल्दी कवर कर लो, फिर भी मतलब फॉरनी फॉरेस्ट कर। वो सारे मेरे को छोड़ के भाग गए हैं, अब मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी। सो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सारा एरिया है, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, पूरा लॉन है अच्छा खासा। मुझे यहाँ मॉर्निंग में ही आ जाना चाहिए था जब मैं उठी थी, पता नहीं मैं क्यों नहीं आई, इनके चक्कर में तो बहुत लेट हो गई। अब कल देखना, कल मैं सोचूंगी कि मैं चलूं तो कल मेरी नींद नहीं खुलेगी। सो यहाँ पे है फेरी फॉरेस्ट, तो देख के आते हैं फेरी फॉरेस्ट है कैसा। यहाँ पे एक किड जोन है बच्चों के खेलने के लिए, स्लाइड एंड ऑल, एंड यहाँ पे गार्डन है, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ये तो कड़ी पत्ता है, गेस करके बता। अच्छा ये वो है, क्या है? आंवला। ओए सो देख रहे हो, तुमने कभी आंवले का पेड़ देखा है? कभी
बड़ा देखा होगा, मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को आंवले का पेड़। ये रहा आंवले का पेड़, देखो सच्ची में बिलीव नहीं हो रहा, मुझे भी नहीं हो रहा। देख रहे हो ये आंवले ही हैं, दिख रहे हैं? ये देखो आंवला, दिस इज द आंवला, और बिल्कुल फ्रेश है, और इतने सारे गिरे पड़े हैं ये। ये देखो कितने सारे गिरे पड़े हैं, आंवले ही आंवले। वो देखो वहां पे, ये देखो आंवले इधर से दिख रहे हैं, इधर से। वाओ, तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर आंवले हैं। आंवले तो बहुत देखे, लेकिन पेड़ पे फर्स्ट टाइम देख के बड़ी खुशी हो रही है। तो ऐसे होते हैं आंवले, एंड ऐसा होता है आंवले का पेड़, ही तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा, कितना सुंदर लग रहा है। मेरा आंवले का पेड़, मैं अमीर हो गई। वो देखो वहाँ पे वो कौन लगे हुए हैं, एंड ये क्या है, हाँ ये बेसिल लीव्स ही हैं, एंड ये करी लीव्स। करी पत्ता तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे गार्डन, घर में गार्डन हो तो हर चीज़ का पेड़ तो हो। भाई साहब आंवले देख रहे हो, कितने आंवले गिरे पड़े हैं। ये देख रहे हो करी लीव, करी पत्ता कितना बड़ा है, हाउ मच बड़ा दिस करी पत्ता इज। चलो थोड़ा सा करी पत्ता खा लेते हैं। कहाँ है मौकी? देख लो स्क्वायरल को, स्टंट मार दिखा रही है वो। अरे अमरूद का पेड़, आंवले के पेड़ तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, मुझे लग रहा है सारे आंवले की खेती यही लोग कर रहे हैं। ये पूरे आंवले के पेड़ हैं, बढ़िया है ये तो। ओके, ये सोलर पैनल है यहाँ पे, और ये है डेंजर 440 वोल्ट हाई। प्रॉपर्टी अच्छी है, थोड़ी सी कम मेंटेन है। ये देख रहे हो ये रे आंवले, छोटे छोटे आंवले, आंवले के बच्चे। वो सारे घुस जाएंगे फिर एकदम से। चलो अब हम आपको आगे दिखा के आते हैं। आराम से चलना, इधर में डंक भी मार दिया वो, बिना पैरों की आवाज करे उसने डंक मार दिया। वो देखो कौन की आवाज है, साइन में की चलना हो तो यही रुकता है, इसमें का ज्यादा पास में चलना। ये देख रहे हैं सारे कहाँ जा रहे हैं, इतना हल्ला मचा मचा के किसी को ढूंढ रहे हैं, लग रहा है ये किसी को बुला रहे हैं। देख रहे हो घूम रहे हैं आराम से। देखो देखो सारे, वाओ। ये देखो ये सारे चल चल के पानी में चले गए हैं। वो देखो वो जा रहे पानी में, पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं। पानी में चल चल के जा रहे हैं, ये स्विम करके नहीं जा रहे। स्विम आप करेंगे ना, जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा वैसे स्विम करेंगे, अगर पानी नहीं बढ़ा तो ऐसे चलते रहेंगे। ये देखो स्विम करने लगे हैं पानी से। ये देखो शायद इधर आएंगे।
आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, देख रहे हो पानी में चल चल के आ रहे हैं। इनकी वॉक चल रही है, कितने सुंदर लग रहे हैं, वाइट वाइट। वो देखिए वहाँ पे सोलर पैनल लगाया हुआ है, दिख रहा है आपको दूर पे? एक पीछे रहेगा, जल्दी जल्दी आ रहा है। वो चुनमुन मुर्गी का बच्चा है, आगरा में है। ये चुनमुन मुर्गी का बच्चा, देखना वो कितना छोटा सा है। खा रहे हैं कुछ, चलो अब मोर देखते हैं। और भी कुछ है यहाँ पे? कहाँ है लेमन ग्रास? ये लंबी लंबी जो है ये लेमन ग्रास है। अच्छी चीजें लगाई हुई है इन्होंने काफी। रहन दो, फिर क्यों जा रहे हो? क्या ही करेंगे जाके, मोर हमने बहुत देखे हैं। मोर के चक्कर में इतनी मेहनत। ये देखो आप, मैं आपको दिखाती हूँ, ये लेमन ग्रास भी है। एंड ये थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत सारी लेमन ग्रास है। ये यहाँ से वहाँ तक, ये जो सारा है ना, ये झाड़ से जो दिख रहे हैं, ये सारा लेमन ग्रास है। मैं जरा शेर से मिलके आ रही हूँ, ठीक है? पर मैं गिर गिर आना चाहूँ। चलो वो लोग कहीं चले गए, लापता हो गए, हमें छोड़ के भाग गए। यहाँ पे बहुत सारी पॉटीज पड़ी हैं, पॉटीज पॉटीज से बचते बचाते हम जा रहे हैं। गीस जो थे उनके नाम है जोधा, रानी, भूरा, बबलू, पेप्सी, शेरू। बड़े क्यूट नाम है। एंड ये उनका घर है, आओ उनके घर में चलते हैं, छुप छुपा के कहीं पीछे से आके बोलो अटैक ना कर दे। ये इनका घर है, अच्छे नहीं है ये, बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है, साफ सफाई नहीं करते ये अपने घर की, बस घूम रहे हैं वहाँ पे फैशन मार के सुबह सुबह। बताओ झाड़ू पोछा लगा के जाना चाहिए ना घर में, मेहमान आ जाए तो पीछे से, जैसे हम लोग आ गए ना, लाइक टाइप के लोग। अभी मिलेंगे तो फीडबैक दूंगी मैं उनको, है ना। ये देखो कितने सारे पत्थर, इतने सुंदर सुंदर पत्थर। वहाँ पे एक स्पाइडर वेब है, स्पाइडर वेब का मतलब होता है मकड़ी का जाल। तो मकड़ी का जो जाल है वो ये है, दिखा कितना मस्त है भाई साहब। देखा है आपने कभी ऐसा मकड़ी का जाल? अब यहाँ पे नीम के पेड़ दिखने शुरू हुए हैं, वहाँ पे सारे गूसबेरी थे, गूसबेरी आंवला। अब हम वापस जाने, क्योंकि आगे कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था। और फिर अभी हमें ब्रेकफास्ट भी करने जाना है, उसके बाद हमें भाई अब हम फिर से जा रहे हैं क्योंकि रास्ता मिल गया है। जो
बैंकेट एरिया है ये। ये सारा यहाँ का इनका बैंकेट एरिया होगा। लॉक है, देखना लॉक ही होगा वैसे तो। बंद है। बस बस खींचो मत, बस खोलो मत बेटा, खोलना। फिर फूल होगा ही नहीं इस होटल में, इसके अलावा कुछ जगह नहीं है। ये वो एरिया है जहाँ से एंट्री होती है। और अब हम आ गए हैं बैकयार्ड में जहाँ से हम गए थे। और ये क्या है, चलो तब हम दोबारा जा रहे हैं क्योंकि अभी 8:30 हुए हैं। पूल में भी मेरे ख्याल से अभी धूप ना आ जाए फिर कैसे ना होगे। ये वाले फूल हैं, इनको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर मुझे अच्छे बहुत लगते हैं। फ्लावर्स, ग्रीनरी, नेचर, बहुत अच्छा। ये वाला जो पेड़ है, जैसे हम जब स्कूल जाते थे तो उस वक्त हमारे स्कूल में ये वाले पेड़ बहुत सारे होते थे, तो ये वाले इतने सारे फ्लावर्स हम लोग इकट्ठे कर लेते थे तोड़ तोड़ के, और फिर घर में डांट पड़ती थी कि क्यों तोड़ के लाए हो, यहाँ ला के फेंक देते हो। अब हम जिम में आके बैठ गए हैं। एंड ओ वाह, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। जिम में यहाँ पे मिनरल वाटर रखा हुआ है एंड फ्रूट्स रखे हुए हैं, इफ़ यू वांट टू हैव फ्रूट्स। चलो तो अब यहाँ पे शुरू हो गई है टेबल टेनिस। बेटा यही पूछ के आता है कि वहाँ पे कुछ खेलने का है तो मैं जाऊँगा वरना नहीं जाऊँगा। तब ये लोग खेल रहे हैं। और हमें पूल में जाना था और पूल में तो बहुत ज़्यादा ही धूप आ रही है, कैसे जाएंगे हम पूल में, सारी धूप आ चुकी है यहाँ पे। वहाँ पे ये फाउंटेन और वो देखो पानी गिर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई जस्ट लव दीज थिंग्स। चलो तो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। और अभी बहुत ज़्यादा धूप आई हुई है तो हमने सोचा है कि पूल में शाम को नहाएंगे और बाकी देखते हैं। अभी तो कुछ पता नहीं है। चलो तो आपको दिखाते हैं कि हाउ इज़ द फूड, हाउ इज़ द ब्रेकफास्ट। या
सो ये है इनका डाइनिंग एरिया। सो आओ आपको चल के दिखाते हैं कि है क्या यहाँ पे एक्चुअल में। ओके यहाँ से यहाँ तक ये सारा सिटिंग अरेंजमेंट है इनका, इधर भी। तो चलो आपको दिखाते हैं कि है क्या क्या इसमें। जूसेस, वाटरमेलन, स्वीट लाइम, कोल्ड कॉफी, डेटॉक्स वाटर, दिस इज मसाला छास। ओके ओके, दिस इज बीटरूट हलवा, सांबर, स्टीम्ड इडली, बहुत हैवी है। दिस इज पोड़ी इडली, वाओ, दिस इज समथिंग न्यू जो मुझे दिखने में आया है। एंड दिस इज भाजी पाव, मेंदू वड़ा, देन दिस इज सूजी उपमा। अवन रोस्टेड पोटैटोज, देन ग्रिल टमेटोज, एंड दिस इज मिल्क पॉरेज, बेक बीन्स, सॉटेड वेजिटेबल्स, नो, दिस वन इज समथिंग डिफरेंट एंड आई लाइक इट। I miss this part, this decor, it's too cool. यहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं खुद, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फाइव स्टार, मतलब दिस टी इज टू गुड। और हम ट्राइडेंट में आए हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी अच्छी चाय होगी, बट बिलीव मी गाइज बहुत अच्छी है। क्योंकि मुझे चाय या तो अपने हाथ की पसंद आती है, बहुत कम चाय मुझे पसंद आती हैं, बट ट्राइडेंट गुड जॉब। तो हमने मंगाई थी बेदमी पूड़ी, एंड इसके साथ आई हैं दो सब्जी, एंड इसकी जो स्मेल आ रही है ना, स्मेल से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा यम्मी होने वाली है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया इसकी स्मेल से।
से तो मैं सुबह सुबह ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ, जैसे कि आपने तो मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, मैं मोस्टली साउथ इंडियंस ही प्रिफर करती हूँ, बट बेदमी पूड़ी भी आई लाइक। एंड ये इसमें तो मतलब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि मेरे मुंह में से पानी आ गया, मतलब नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर रही हूँ, बट खुशबू आ रही थी तो खाने का एक मन होता है ना, वो हो रहा था। सो मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ, बहुत अच्छी है, वाह। राइट, सॉरी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अब हमारा मसाला उत्पम भी आ गया है, पाव भाजी बेटा लाया है, डोनट, एंड मैं लाई हूँ ये कैरेट ब्रेड, फिर मैं ये बहुत सारा कुछ कुछ ले आई हूँ, स्प्राउट्स एंड ऑल फ्रूट्स, ये सारा कुछ मैं लाई हूँ। मैं बहुत थोड़ा थोड़ा लाई हूँ क्योंकि हम खा नहीं पाते हैं, फिर सो जस्ट टेस्ट करने के लिए लाए हैं। यह है मसाला डोसा। सो डेटॉक्स वाटर मैंने पिया था, एक्सप्रेशन तो दिखाने बनते हैं। ऐसा लग रहा है इसमें करेला जूस भी मिलाया हुआ है, मैं घर पे ज़्यादा अच्छा बनाती हूँ, बट ये भी अच्छा होगा अगर कुछ ऐसा है तो इसमें। ये स्वीट लाइम जूस है, अच्छा है, रियल है, मिक्स टाइप का नहीं है। और ये है कोल्ड कॉफ़ी, ये तो डेटॉक्स वाटर से भी ज़्यादा गंदी है। हमारा टेबल बहुत ज़्यादा क्लीन है, हमने बहुत थोड़ा थोड़ा लिया था इस बार कि खाते हैं नहीं, सो देखो सारा ऑलमोस्ट क्लीन है, हमने कुछ छोड़ा नहीं है, ये रखा हुआ है, लास्ट में हम पी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। सो पोलाइट, बहुत अच्छे से बात बात कर रहा है, बहुत अच्छे से हमारी सर्विसेज अटेंड कर रहा है, बहुत अच्छा है ये बंदा। वैसे तो यहाँ पे सारे बहुत अच्छे हैं एंड पोलाइट हैं, बट ही इज़ टू गुड। अब हमने टी मंगाई है, जिंजर टी, ये वाली देखते हैं कैसी आती, पहली वाली तो बहुत ही अच्छी थी। अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं अपने रूम पे। गुड मॉर्निंग, पहले तो हमने सोचा था पूल में जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा धूप है, सो अभी के लिए तो प्लान क्विट हो गया है, तो अभी देखते हैं, रूम पे जाते हैं, डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, कहीं जाना भी है कि नहीं जाना है।